तो है गाइस, व्हाट इज़ अप। तो ये है BMW 5 सीरीज और ये रही उसकी चमचमाती हुई चाबी। इसके ऊपर मैंने कवर चढ़ा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कवर। कमेंट में करो कैसा है कवर, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अब गाड़ी की तरफ बात करते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिसाइड करेंगे BMW 5 सीरीज को ख़रीदने का आपको प्लान है तो आपको इसमें क्या क्या देखना चाहिए और ये गाड़ी खरीदने के बाद कैसी है और इसका मेंटेनेंस कैसा है, क्योंकि आप सबको पता है आजकल लग्जरी गाड़ियों में काफ़ी सारा डिस्काउंट मिल रहा है, तो काफ़ी सारे कम में मिल रही है। तो लोगों का एक सपना होता है BMW 5 सीरीज लेना या 3 सीरीज लेना, बट आज डेडिकेटेडली हम 5 सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने गाड़ी रिसेंटली ख़रीदा है, बस एक महीना हुआ है ख़रीद के इसको। और मैं थोड़ा सा आपको एक शॉर्ट टर्म रिव्यू दिखा दूँगा आपको, क्योंकि मैंने एक महीने में क्या क्या खर्चा करवाया, गाड़ी कितने में लिया और इसका ओवरऑल खर्चा कितना आता है और मेंटेनेंस का कितना होता है, सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जस्ट आप इंट्रो एंजॉय करो। तो हम स्टार्ट करते हैं इंजन से, क्योंकि हम BMW अगर लेना चाहते हैं तो अपना पूरा फोकस इंजन के ऊपर ही होता है। मैं एक मिनट इसको खोल लेता हूँ। ये रहा BMW इनलाइन 4 इंजन, क्योंकि ये 520D है पर्टिकुलर मॉडल, तो इसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। अगर आप 5 सीरीज में अगर आप M स्पोर्ट लेते हो या तो M30 लेते हो या तो 530 लेते हो तो उसमें आपको 6 सिलेंडर इंजन मिलता है, और M30 स्पोर्ट्स में आपको 6 सिलेंडर ट्विन टर्बो भी मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा पावर रहती है उसके साथ। और ये रहा BMW का जो पेंट का जो भी कलर होता है, तो दिस इज़ द वन। अगर आपको कोई भी रिपेंटिंग का अगर ज़रूरत है तो आप यहाँ से देख के इसका पेंट का पता लगा सकते हो। और ये रहा उसका विन नंबर और बाकी सारे सब चीज़ें इधर आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से हम हुड को क्लोज करते हैं। तो आते हैं फ्रंट प्रोफाइल पे। दिस इज़ आइकॉनिक किडनी ग्रिल। अभी मैं DRLs ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी को ऑफ किया हूँ मैं, तो आपको DRLs नहीं दिखेंगे, वरना ये सब चमचम आते हुए दिखते हैं आपको ज़बरदस्त। मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा बाद में। तो ये रहा स्टॉक में है पूरी गाड़ी। ये रहा बम्पर, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा रिपेंटेड है, इसको मुझे भी थोड़ा टच कराना, क्योंकि गाड़ी लेते समय मैंने नोटिस किया था यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब वो एक मार्क है, मुझे करवाना है इसमें रिपेयर। मैं आपको रिपेयर का भी खर्चा दिखा दूंगा इसमें। तो ये है इसके DRLs, उसकी किडनी ग्रिल, इसका फॉग लैम्प और बम्पर। तो काफ़ी गाड़ी स्टॉक में है तो आपको पूरा स्टॉक में ऐसा ही मिलेगा। देन साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो गाड़ी काफ़ी लंबी है गाइस, लिटरली इट्स टू लॉन्ग। इससे पहले मेरे पास क्रूज़ थी, तो व्हेन कंपेयर टू क्रूज़ इट इज़ वेरी लॉन्ग, स्टिल बिट लॉन्ग। एंड व्हेन वी कंपेयर टू एसेंट, उसके पहले मेरे पास एसेंट थी, वो भी लॉन्ग है इससे मतलब उससे भी ये लॉन्ग है। तो वी कैनॉट कंपेयर दोज कार्स विद दीज बीस्ट। तो ये कम्प्लीटली अलग है, वो कम्प्लीटली अलग है। तो ये है इसके स्टॉक वाला व्हील्स। तो मैंने टायर चेंज करा है, ये और बाजू वाला टायर चेंज करा है। इसमें रन फ्लैट टायर आपको मिलता है, तो आप ये बैजिंग देख सकते हो, RFT ब्रिजस्टोन का मैंने डाला है। तो इसका टायर साइज का प्रोफाइल है 222/55R17। अगर आप कोई भी टायर चेंज करवा रहे हो तो इसी नंबर का डलाना। अगर आप रिम थोड़ा साइज बढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली आपको कस्टम टायर्स के ऊपर जा सकते हो। तो स्टॉक में आपको यही मिलता है। तो अगर रेयर की अगर बात करो तो आप देख सकते हो BMW का लोगो, 520D के बैचिंग, देन इधर थोड़े से स्क्रैचेस, क्योंकि पुरानी गाड़ी है तो थोड़ा बहुत आप तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वह बाई कंपनी फिटेड डेगुल एग्जॉस्ट, अगर आप कॉर्ड एग्जॉस्ट भी लगा सकते हो M किट के साथ, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो यह M5 की बैचिंग, तो मैंने लगवाई है M5 कॉम्पिटिशन, दैट इज़ माई ड्रीम कार हाइव सर्सिंग। देन ये रहा शॉर्क फिन एंटीना, तो BMW में कॉमन है। देन पूरी स्टॉक में है गाड़ी, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है। तो ये गाड़ी का ओवरव्यू है जो मैंने आपको बताया। अभी थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ अगर बात करें तो इंटीरियर में आपको मिल जाते हैं लेदर सीट्स, गाड़ी काफ़ी गंदी है इसको मत जज करना, देन लेदर अपॉल्स्ट्री सभी सीट्स पे। और ये रहा इंटीरियर, काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, बहुत 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 नीट एंड क्लीन वाला इंटीरियर है। जब भी मैंने गाड़ी लिया था तो पहले मैंने इंटीरियर देखा, क्योंकि BMW में काफ़ी सारे चीज़ों में क्या होता है ना, कुछ चीज़ें बहुत कॉमनली जाती हैं, जैसे कि एक तो ये सनरूफ वाला हो गया, तो इसको मुझे रिपेयर करवाना है, क्योंकि मैं जब गाड़ी लिया था तभी से नहीं था वो। देन ऊपर से ये वाला आर्मरेस्ट और ये प्लास्टिक पीस बहुत जल्दी चला था BMW में, तो थैंक गॉड इसमें नहीं गया। और इसमें थोड़ा सा है डैमेज, बट इट्स नेगोशिएबल।
सॉरी नेगलेक्टेबल, क्योंकि वो चला जाता है बहुत जल्दी, बट इसमें नहीं गया। और ये गाड़ी पर्टिकुलरली जो मैं गाड़ी लिया हूँ वो सिर्फ चली है 50,000। मैंने इसके बाद 1,000 मैंने चला लिया, तो अभी चली है 51,000। तो मैं इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे आपको बताता हूँ ड्राइव करते समय, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देन अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर। सॉरी मैंने आपको बूट स्पेस बताना भूल गया, मैं अभी जाके बूट स्पेस दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका डिक्की, ये रहा इसका बूट स्पेस, मैं इसको ओपन करता हूँ। देखो ये रहा, ये ओपन हुआ, ये रहा इसका बूट स्पेस। ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है, बट नीचे करने के लिए कोई बटन नहीं है, आपको मैन्युअली बस इसको प्रेस करना है। देन इसमें काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस है गाइस, लिटरली काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस है। देन इसमें आपको यहाँ पे बैटरी का कंपार्टमेंट मिल जाता है, तो ऑब्वियसली इसमें स्पेयर व्हील आप एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये रन फ्लैट टायर्स हैं जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 80 किलोमीटर तक जा सकते हैं, इवन आफ्टर पंचर और टायर फट जाने के बाद भी। तो टायर बहुत गंदा हो गया है, डोंट जर विद दिस 225/55R17, दैट इज़ अ टायर, दिस इज़ अ बॉयलेट, नो दिस इज़ ऑल द सेम रन फ्लैट टायर। देन पीछे तो मैंने दिखाई दिया, देन इसमें आपको कर्टन्स मिल जाते हैं। तो अब आपका मन है लेने का एक गाड़ी, तो आप डेफिनेटली इसका आउटर लुक देख के आप गाड़ी डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि कहीं पर भी रिपेंट नहीं होनी चाहिए, और अगर बॉडी वगैरह कुछ रिपेंटेड है तो बॉडी के हिसाब से आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। बम्पर्स तो चलो ऑब्वियसली रिपेंटेड होंगे, और कभी भी BMW लेते समय थोड़े से कॉमन प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान रखो। कॉमन प्रॉब्लम इसमें आता है एक तो वो जो मैंने बताया सनरूफ वाला, और एक तो ये डोर पैनल वाला, वो आपको इजीली रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू। बट कॉमन प्रॉब्लम में एक आता है वैसे भी हेडलाइट्स, तो हेडलाइट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है इसका, एक हेडलाइट आपको इसमें 2 लाख या 2.5 लाख का पड़ता है, तो वो आपको देख लो। अगर इसमें आपका हेडलाइट का ये जो DRL नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेटली इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें DRLs का कभी कभी मॉडल चेंज करना पड़ेगा, वरना पूरा हेडलाइट का सेट चेंज करना पड़ेगा। अब मेरे इसमें यहाँ पे जब गाड़ी ठुकी थी पुराने ओनर के हिसाब से, तो उसने बताया कि मुझे इसमें थोड़ा सा गैप में ये चला गया धूल मिट्टी वगैरह, तो ये मेरे को साफ़ कराना है। आई डोंट नो वेदर आप इसमें जज कर सकते हो नहीं, बट ये इसको मुझे थोड़ा क्लीन करवाना है, वो तो चलो हो जाएगा फिर भी। बट डेफिनेटली अगर आप DRLs के हिसाब से देख रहे हो तो यू हैव टू बी अवेयर। मैं इसका थोड़ा सा आपको DRL ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये रहा इसकी आंखें, इसका DRLs। तो अभी आपको कैमरा में थोड़ा ब्लिंकिंग दिखेगा, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली ब्लिंकिंग, वो कैमरा के जो अपर्चर का मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसके हिसाब से वो ब्लिंक होता है हर्ट्ज़ के हिसाब से। तो दैट इज़ हाउ यू कैन सी दैट इट इज़ ब्लिंकिंग। इसके हेडलाइट वॉशर्स भी आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि हेडलाइट वॉशर्स इसमें कभी कभी काम नहीं करते, अगर ज़्यादा कम काम किए हो तो ये स्टक हो जाता है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। हेडलाइट वॉशर्स स्टक हो गए तो काम नहीं करेंगे, पानी अंदर से लीकेज हो जाता है, सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। देन इंजन के रिलेटेड अगर हम बात करें, अब कॉमन प्रॉब्लम की लिस्ट में अगर हम इंजन की अगर बात करें, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इंजन में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी इंजन अगर कम चली हो तो दैट इज़ एन एडवांटेज फॉर यू। थोड़ा ओपन कर लेता हूँ ये, ओके। अगर इंजन कम चली हो तो दैट इज़ एन एडवांटेज फॉर यू, कभी भी एक बार इंजन ओपन करके यहाँ पे देखना, कोई भी लीकेज नहीं है। तो ये रहा आपका स्टार्टर मोटर, स्टार्टर मोटर और स्टेयरिंग रैक इधर ही आता है BMW 5 सीरीज़ में स्पेशली, तो ये इसका कॉमन प्रॉब्लम है। कहीं पर भी गाड़ी अगर आप देख रहे हो तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें कभी भी पानी नहीं जाना चाहिए, अगर इसमें पानी गया है तो डेफिनेटली फ्लडेड है गाड़ी, क्योंकि BMW की 5 सीरीज़ में स्पेशली और काफ़ी सारे 7 सीरीज़ में भी मैंने देखा है गाड़ी बहुत नीचे होती है, तो कभी भी पानी आता है। अगर पानी आपका यहाँ तक भी चला गया, नंबर प्लेट तक भी, या आपको यहाँ तक भी चला गया थोड़ा सा बम्पर तक भी, तो इसमें पानी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक चीज़ है तो ख़राब होना लाजमी है, तो दैट यू हैव टू लुक ओवर। और उसमें आप देख सकते हो कहीं पे भी पानी नहीं है, कोई भी शॉर्टेज वायरिंग का कोई भी शॉर्टेज नहीं है, तो क्योंकि वो आपको मोटा खर्चा लगवाने वाला है। तो स्टार्टर मोटर का आई डोंट नो क्या होगा प्राइस, बट स्टेयरिंग रैक आपको 2-2.5 लाख का खर्चा लगा देगी। अगर आप BMW स्पेशली 5 सीरीज़ ले रहे हो, तो ये कब चीज़ ध्यान में रख के चलो कि ये आपके पैसे खाने वाली है अगर आप अच्छी तरह से इसको मेंटेन नहीं करोगे। तो ये बनी ही है भागने के लिए और मेंटेनेंस के लिए, जर्मन तो स्पेशली आपको पता ही है थोड़ा मेंटेनेंस होगी, तो स्पेशली सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। एंड अगर ये सब आपका ध्यान में है तभी जाके BMW लेना, वरना डेफिनेटली आप कोई भी एक नॉर्मल गाड़ी लेके आप रख सकते हो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर थिंग कि आप इसको कैसे मेंटेन करोगे, आपके टेस्ट के हिसाब से कैसी है, सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट थिंग्स। एंड आप देखो ये इसके रनिंग मोड, अगर मोस्टली इंडिया में क्या होता है, थोड़ा डोर बंद कर देता हूँ। मोस्टली देखो इंडिया में क्या होता है, रोड्स काफ़ी ऊपर होते हैं, काफ़ी अनइवन से होते हैं, और हम्प्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें आपको देख सकते हो रनिंग बोर्ड थोड़ा सा इधर घिसा हुआ है, बट दिस इज़ ओके, इसमें कोई डैमेज नहीं है। कभी कभी क्या होता है रनिंग बोर्ड थोड़ा सा अंदर गया होता है,
या कभी कभी इधर से खाया हुआ होता है, सो दैट थिंग यू हैव टू लुक ओवर, क्योंकि पूरा रनिंग बोर्ड चेंज करना पड़ेगा, दैट इज़ अलूमिनियम। आप उसमें टिंकरिंग करके कुछ ज़्यादा जुगाड़ नहीं कर सकते, और मैं नहीं चाहता कि आप वो जुगाड़ वाला काम इस गाड़ी पे करो, बिकॉज दिस इज़ समथिंग अ स्टेटस सिंबल दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट एंड यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, बिकॉज ये कोई कॉमन गाड़ी ही नहीं है। अगर आप इसको ऐसे वैसे मैकेनिक के पास लेके जाते हो तो आई डोंट रिकमेंड, जुगाड़ वाले काम इस पे नहीं चलते, तो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आप जाते हो शोरूम में उसको चेंज करेंगे तो पूरा फेंडर चेंज होगा, मोस्टली वो लोग वही प्रेफर करते हैं क्योंकि एक वर्जनलिटी आ जाती है उसमें, बट एक बार अगर कंपनी वाला चला गया तो आपको वर्जनलिटी नहीं मिलेगी, सो यू हैव टू लुक ओवर, लेते समय आप देख लेना, या ज़्यादा दबी हुई है तो यू हैव टू बी अवॉइड दोस कार्स, या तो प्राइस में नेगोशिएट कर सकते हो। बैक में अगर देखना, बट मोस्टली BMW के कोई से भी, आई डोंट थिंक सो जर्मन की कोई भी गाड़ी में इतना ज़्यादा रस्टिंग का इशू होगा, बट कभी कभी सी लेवल के पास अगर कोई गाड़ी है जैसे कि मुंबई मरीन ड्राइव्स वगैरह, या इधर कोई तमिलनाडु कर्नाटका के पास, तो कर्नाटका में मोस्टली आपको नहीं मिलेगी कोई भी खाई हुई गाड़ी, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ रस्टिंग वाली गाड़ी, तो वो चीज़ आप देख के थोड़ा ध्यान में रखो, मोस्टली रस्टिंग गाड़ी को अवॉइड करो। छोटा मोटा रस्टिंग है तो तभी ठीक है, बट BMW में या जो जर्मन कार्स में मोस्टली आपको रस्टिंग नहीं मिलेगा। तो ये रहा इसका फ्यूल टैंक, ये थोड़ा सा जाम हुआ है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे ऑयल डाल के थोड़ा सा करना पड़ेगा, सो दैट आई नीड टू लुक ओवर। ये लगेगा इसमें डीजल, इसमें कोई भी एड ब्लू नहीं आ गया, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर मॉडल जो है 2012 वाली, नई वाली में आया है 2017-18 के बाद, सो वो आपको नोटिस कर लो। और हाँ, हो सके तो मैं बोलता हूँ गाड़ी को एक बार लिफ्ट करा के नीचे से एक बार देख लो, मैं एक्चुअली एक बार देख लिया हूँ गाड़ी को, तो मेरे लिए कोई भी नहीं है बड़ी बात, तो कोई भी डैमेज वाली बात नहीं है, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी लगी मुझे, तो इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया। और इसमें चारों आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग, काफ़ी अच्छी इसकी स्टॉपिंग पावर है, और एक्सेलरेशन तो मैं क्या बताऊँ। अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर, थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखते हैं। मैं थोड़ा इस एंगल पर कैमरा माउंट कर देता हूँ ताकि आपको ड्राइविंग का मज़ा मिले। सो हे गाइस, मैंने पूरा एक 8-10 मिनट का ड्राइव कर लिया था, फिर जाके मुझे पता चला मैंने कैमरा में वो रिकॉर्डिंग बटन दबाना भूल गया, तो वेरी सैड, मेरे तो लग गए गाइस, बट कोई बात नहीं, हम फिर से एक वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो अभी मैं आया हूँ फिर से रोड पे, ये वाला दूसरा रोड है, मैं पिछली बार आया था वो दूसरा रोड था, तो अभी मैं थोड़ा AC कर लेता हूँ, तो अभी मैं दिखाता हूँ गाड़ी कैसे जाती है, जस्ट हैव ए लुक। देखो मैं अभी स्पोर्ट्स मोड में डाला हूँ, जस्ट हैव ए लुक। My God, गाड़ी क्या खींच दिया गाइस, दिस इज व्हाट द BMW सेज, दैट इज अल्टीमेट। ड्राइविंग के पर्सपेक्टिव से बात करो तो दिस इज मशीन मेड फॉर ड्राइविंग एस्पेशली, तो दैट इज इनसेन, तो पता नहीं था क्या हो गया था, मैं तो पूरा रेड लाइन पे गई थी गाड़ी तो दूसरे गियर में, तो जस्ट इनसेन, बट आई डोंट रिकमेंड आपको इतना हार्डली चलाना चाहिए, मैं तो बस एक ही बार में खींचता हूँ, बट बाकी मैं बहुत स्लो चलाता हूँ, तो जस्ट यू हैव टू लुक ओवर फॉर द थिंग्स, अगर आपका रोड खाली है तभी आप खींचना, वरना नया जाओ तो अच्छा है। तो मैं अभी आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बता ही रहा था, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूँ आपको, जैसे गाड़ी आप लेना खरीदना आप डिसाइड कर चुके हो तो आपको इसमें क्या क्या लेना चाहिए। तो पहली बात, इसमें आपको सस्पेंशंस का देखना पड़ेगा, फिर इसमें आपको व्हील बेयरिंग्स का देखना पड़ेगा, ये एक्चुअली उतना कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आपको अगर देख लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इंडियन रोड के हिसाब से जल्दी से सस्पेंशन चला जाता है, या तो जल्दी से आपको व्हील बेयरिंग भी डैमेज होने के चांसेस हैं। मैं थोड़ा इसमें क्रूज मोड पे डाल के अगर आपसे बात करता हूँ, 50 पे मैं क्रूज करता हूँ अभी गाड़ी, सो यू हैव टू लुक आउट फॉर दोज थिंग्स। सस्पेंशंस अगर आपका एक भी चला गया तो अगर आप शोरूम में जाओगे तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपये मांग लेगा, अगर आप बाहर भी कराना चाहते हो तो 4 सस्पेंशन से आपको 2 से 2.5 लाख रुपए लग जाएंगे, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस गाड़ी के चीज़ें सारे मोस्टली जर्मन मेड के होते हैं, लोकल ब्रांड से आप कोई भी ज़्यादातर चीज़ें आपको नहीं डाल सकते, तो चीज़ें इंपोर्ट करने का भी चांसेस आपको करना पड़ेगा, मतलब चांसेस हैं आपके इंपोर्ट करके डालाना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आपके वो इस गाड़ी के पर्टिकुलरली इस मॉडल के आपको मिल जाएंगे, सो वो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही पॉपुलर मॉडल है इंडिया में भी, और 5 सीरीज का 520D काफ़ी ज़्यादा बिका था, तो इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन काफ़ी सारे लोगों को इसका ये सवाल रहता है इसे माइलेज कितना देती है, क्योंकि मोस्टली ये गाड़ी कोई भी माइलेज के लिए नहीं लेता, बट अगेन मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं तो हम अगर लैम्बोर्गिनी भी खरीद लें तो हमें माइलेज की चिंता रहती है, तो डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूँ, ये गाड़ी आपको कंप्लीट लेते 18 का माइलेज, बट ये मुझे 16.2 आदि थी तब मैं एक हाईवे पर ड्राइव किया था, वो भी थोड़ा सा जस्ट 100-110 पे मैंने क्रूज़ किया था तब दी थी। अभी इस गाड़ी का सो दैट इज़ हाउ यू कैन लुक फॉर एनी
प्री ओन BMW 5 सीरीज, तो आपको काफ़ी ध्यान में रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों को जैसे मैंने बताया। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप जानना चाहते हो मैंने ये कार कितने में खरीदी, तो आई जस्ट रिकमेंड यू DM इन Instagram, तो मैं आपको बता दूंगा ये गाड़ी कितने में खरीदी और इसका क्या पूरा खर्चा आया। बट जैसे ही मैं टायर्स आपको बताया था, रनफ्लैट टायर्स आप, मैंने इसको दोनों चेंज किया है। एक टायर इसका आपको 27,000 का पड़ेगा ब्रिजस्टोन में, तो पूरा डिस्काउंट वगैरह मिला के 22,000 का पड़ता है। तो दोनों टायर का आप हिसाब लगा लो। और फिर मैंने इसमें बैटरी डलवाई थी, क्योंकि गाड़ी के साथ जो पुरानी बैटरी आई थी वो पूरी 12 साल पुरानी थी और वो जर्मन मेड कंपनी की थी, तो डेफिनेटली वो तो मैं नहीं ले सकता था, क्योंकि जब मैंने कंपनी को कॉल किया तो सो दे टोल्ड मी द बैटरी इटसेल्फ कॉस्ट 50,000, तो उतना मेरा बजट नहीं था बैटरी डलवाने के लिए। तो मैंने अमेरॉन का बैटरी डलवाया, तो इट कॉस्ट मी जस्ट लाइक 16,000 to 17,000, 18,000 to 19,000 बोलेंगे, बट आपको नेगोशिएट में मिल जाएगी पुरानी बैटरी एक्सचेंज में। सो दैट इज़ वन कॉस्ट एंड दिस इज टू कॉस्ट आई हैव डिड इन दिस कार। तो इसके बाद मैंने कोई भी इसमें खर्चा नहीं करवाया, गाड़ी अभी टकाटक चल रही है, तो बस डीजल डाल के चला रहा हूँ बस। तो आगे जाके इसमें कोई भी काम नहीं कराना, बस जैसे मैंने बताया था मुझे ये इसका करवाना है सनरूफ वाला, तो सनरूफ वाला डेफिनेटली एक है, ये काफ़ी बुरा लगता है देखने में, तो इसके लिए मुझे करवाना पड़ेगा। तो एक वो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा कैसे इसको कराना है। फिर हम इसमें थोड़ा सा स्पॉइलर भी लाने का प्लान है मेरा पीछे। मॉडिफिकेशंस तो अभी मैं कोई नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट फॉर एस्थेटिक लुक्स मैं थोड़ा सा कार्बन फाइबर का एक स्पॉइलर और सामने एक किडनी ग्रिल डलवा रहा हूँ। तो उसके वीडियो सब देखने के लिए आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। कोई भी BMW का फ़ैन है या कोई भी लेना चाहता है तो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।